गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, JCERT DG स्कूल में आप सबका स्वागत है। और आज हम करेंगे आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से दूसरा पार्ट, माय डेली रूटीन। तो इस स्टोरी में आप लोगों ने एक अंशु नाम के बच्चे की कहानी सुनी। अंशु नीड्स हेल्प, अंशु को मदद चाहिए। अरे भाई क्या हो गया, आगे देखो मैं आपको बता रही हूँ। अंशु की टीचर ने उसे कुछ वर्ड्स स्ट्रिप्स यानी कि शब्द की पट्टियाँ दी थी और उसे कहा था कि उसके अक्षरों को वो अलग करे और उन्हें काट कर वो स्क्रैप बुक में चिपकाना। तो अंशु ने वो सारे लेटर्स को बहुत अच्छे से कट कर लिया और उसे अपने टेबल पे रख दिया। लेकिन पता है फिर क्या हुआ, सडनली अचानक से एक ब्रीज और एक हवा का झोंका आया और वो सारे लेटर्स मिक्स हो गए। और लेटर्स जैसे ही मिक्स हो गए, अंशु लगा रोने, अंशु स्टार्ट्स क्राइंग। तो इतने में क्या होता है कि उसकी मम्मी वहाँ आ गई, उसकी मदर। और उसकी मदर ने उसे जब पूछा कि क्या बात है, अंशु ने अपनी बात बताई तो मदर ने कहा कि अंशु आपके स्क्रैप बुक में जो पिक्चर्स हैं ना, उन पिक्चर्स को देखकर आप क्यों नहीं उन लेटर्स को आप दोबारा सजा लेते हैं और फिर आपकी होमवर्क पूरी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, क्या हम अंशु की मदद कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कौन से लेटर्स उसके बिखरे पड़े हैं टेबल पर, ध्यान से आप चित्र को देखें और इस गतिविधि में उसकी मदद करें। तो पहला चित्र अगर हम देख रहे हैं, ये क्या है, हाँ ये है ब्रश, है ना, टूथब्रश जिससे हम दांत साफ करते हैं। अब इसमें लेटर्स कौन कौन से हैं ज़रा ध्यान से देखो, SRHBU, ये क्या हो गया, सारे गड़बड़ हो गए। अब हमें इसको सजा के लिखना है ताकि वो बने ब्रश, बी से शुरू होता है ब्रश। तो चलिए हम मिलकर इन अक्षरों को सजाते हैं और बनाते हैं इस चित्र की स्पेलिंग। रेडी मेरे साथ स्टार्ट, BRUSH, वेरी गुड, दिस इज ब्रश। चलते हैं अगले शब्द पे, ये है बहुत सारे लेटर्स और हम देखते हैं कौन से लेटर्स हैं, OOKB। और ये चित्र है किताब का, किताब को हम इंग्लिश में कहते हैं बुक। तो हमें सजाना है सारे अक्षरों को और बनाना है कौन सा शब्द, बुक। तो चलिए हम साथ में बनाते हैं और कोशिश करते हैं। तो बी, क्योंकि बी फॉर बुक आप शुरू से पढ़ते हैं, OOK, बुक, वेरी गुड। तो कैसे हमने इसको सजा कर क्रम में लिखा, तो ये बन गया एक सही शब्द, स्पेलिंग उसकी हो गई BOOK, बुक। चलिए चलते हैं थर्ड वर्ड पे, क्या ये भी आसान है, ये चित्र है साइकिल की, साइकिल चलाते हो मज़ा आता है ना। चलो इसके अक्षरों को देखते हैं, लेटर्स को, ओके, ECYCL। क्वेश्चन महाराज तो परेशान है कि अरे भाई ये तो पूरी खिचड़ी बनी हुई है और हमें इन लेटर्स से बनाना है कौन सा स्पेलिंग, साइकिल। तो चलिए हम साथ में कोशिश करते हैं कैसे बनेगा, CYCLE, यस, साइकिल, ये हो गए साइकिल की स्पेलिंग। तो इस तरह से बच्चों हम अक्षरों को रीअरेंज यानी पुनः सजाकर अगर लिखते हैं तो जो भी अक्षर पहले से जंबल्ड है, उल्टा पुल्टा है ना, वो सही हो जाते हैं और हमें नया शब्द मिल जाता है। चलिए एक और कोशिश करते हैं ताकि अंशु को भी कुछ हेल्प मिल जाए। अब क्या है कोने में, घड़ी, घड़ी को हम कहते हैं, ये दीवार घड़ी है तो इसे हम कहेंगे क्लॉक, क्या कहेंगे, क्लॉक। इसके अक्षर क्या क्या हैं, OCLCK। तो ज़रा सोचे कौन से अक्षर को कहाँ सजाना है, क्योंकि अक्षर बहुत मिले हुए हैं, OCLKC। और चलिए क्वेश्चन महाराज, अब हम चलते हैं आंसर की ओर और साथ में बनाते हैं इसकी स्पेलिंग, CLOC & K, ये बन गया आपका क्लॉक, है ना, दीवार घड़ी। तो आपने जंबल्ड लेटर्स को रीअरेंज कर दिया यानी आपने सजा दिया। और आते हैं अब अंतिम शब्द पे, अंतिम शब्द ये क्या है, ये है किसी का चेहरा। बच्चों चेहरा को हम क्या कहते हैं, फेस, हम चेहरे को कहते हैं
फेस। और चलिए फेस में कौन कौन से लेटर्स हैं, सी ए एफ ई, ये है जंबल्ड। अब हम जंबल्ड को करेंगे रीअरेंज, रेडी स्टार्ट। एफ यस ए सी एंड ई, एफ ए सी ई फेस। तो ये बन गया फेस की स्पेलिंग। तो बच्चों थैंक यू सो मच कि आपने अंशु की मदद की, और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो के द्वारा अपने भी किताब में दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।